गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल है भाई लोगों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज, साइकिल बाबा, विश्व साइकिल यात्री। आज अभी हॉलैंड में हूँ और आज हम जा रहे हैं किसी एक नई जगह पे। उसको देखने के लिए आपको वीडियो आखिरी तक देखना पड़ेगा। लो जी सेठ जी आगे, क्या हाल है? तो नाश्ता नहीं था तो मैंने राणा जी को कहा यार कुछ खाने को ले आना। तो राणा जी खाने को लेके आए। ये क्या लिया है भाई? अच्छा वो वाली रोटी है, रोटी रूप राम वाली, हिंदुस्तानी रोटी। तो ये किस चीज की बनी होती है भाई? ये दाल की। हाँ, दाल वाली रोटी लेके आया भाई। और ये आलू रख दिए साथ में। वाओ, प्योर वेजिटेरियन। वेजिटेरियन तो है भाई। मैं शर्त लगाता हूँ कोई ये इतनी चटनी खा जाए तो मान जाऊंगा। इतनी तेज होती है ये चटनी भाई, व्हाट मतलब। बाकी ये रोटी बहुत मस्त लगी यार मुझे। सूरीनाम में जाऊंगा तो ये मिल जाएगी ना? ये तो आपको जगह जगह मिलेगी। आप भी चाय बना लो और चाय का कप लेके बैठ जाओ, फिर वीडियो देखना आखिरी तक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। जोटे पे बैठ गए हैं। जोटे पे जोटे पे कौन आता है? यमराज जी, क्यों बोल रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं भाई? आज हम जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन के बड़े सदस्य के देश में जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं। हम जर्मनी जा रहे हैं, पर एक समस्या है यार। आज है ना, जो धूप नहीं निकली हुई अभी तक, बादल से हैं, तो जो सिनेमैटिक सीन जो रस्ते के आते थे ना, वो कम दिखाई पड़ेंगे आपको जर्मनी में जाके थोड़ा सा करते हैं कि। तो यहाँ से कितने घंटे का राइड है अभी? हमें राइड कह रहा हूँ, मुझे तो राइड याद रहेगा। कितने घंटे का ड्राइव है भाई? 3.5 घंटे 4 घंटे का तो लगाओ। जाम लग रहा है क्या? क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? कहीं एक्सीडेंट हो गया दिखा रहा है क्या? अच्छा ये दिखा रहा है। ओ यार इसमें तो दिखता ही नहीं है, ये इसकी स्क्रीन ऐसे ऐसे करने लग जाती है इसमें जब। ये तो नदी है कोई, नदी तो क्रॉस कर। अच्छा एम्स्टर्डम सिटी में पहुंचे क्या हम? उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, इधर भी जंगल है मेरे और इधर भी जंगल है, बीच में से हाईवे निकल रहा है। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर बाद में, हर किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद में पुल बनाए हुए हैं। और पुल सिर्फ और सिर्फ पता है किस चीज़ के लिए बनाए हुए हैं? एनिमल क्रॉसिंग के लिए। क्या है कि रोड के ऊपर से जो पुल बने हुए हैं उनमें एनिमल इधर से उधर जा सकता है, जो भी जानवर जंगल में रहता है। तो बड़ा चौड़ा सा पुल बना रखा है। बारिश आ रही है यार आज तो, मतलब जो मौसम बड़ा बेईमान भी क्या मैं तो कहूँगा गंदा है, क्योंकि मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना होता है और एक ही दिन होता है जो कि हम बाहर निकले होते हैं, और उस दिन मौसम अच्छा ना हो, बारिश आती रहे, तो फिर वो दिखा नहीं पाते। क्योंकि यहाँ का जो आसमान है ना वो बहुत नीला सा होता है, अगर यहाँ पे बादल ना हो और मौसम अच्छा हो तो। अब हम ये जो ये पुल है ये लिखा हुआ ये वेलकम इन जर्मनी, डच लैंड बोलते हैं। तो अब हम नए देश में एंटर कर गए, हमें कोई पता नहीं चला। पर यहाँ के जर्मन में जो ये पंखे हैं, इनकी पंखुड़ियाँ लाल आ गई है, इतना डिफरेंस आया। पहले इन पंखुड़ियाँ सफेद थी। तो अभी हम जो ही हाईवे पे चढ़ेंगे तो हमारी गाड़ी की जो स्पीड लिमिट है वो कोई लिमिट ही नहीं रहेगी। तो जर्मन इसी चीज के लिए फेमस है कि वहाँ पे गाड़ियों की स्पीड लिमिट की कोई स्पीड लिमिट ही नहीं है। तो भाई का देखना चेहरा खिल गया एकदम जो जर्मन में एंटर किया इसने क्योंकि वहाँ पे 100 की स्पीड से आ रहा था। क्या था कि हॉलैंड में पहले 130 की स्पीड लिमिट थी, और कुछ दिन से स्पीड लिमिट है ना वो घटा दी गई है। तो अब स्पीड लिमिट जो है वो 100 पे कर दी है, और जर्मन ने कोई स्पीड लिमिट नहीं है अभी। एक बार भाई साहब थोड़ा सा रमा कर रहे हैं गाड़ी को, तो मूड में जब आएंगे तब दिखाते हैं। गाड़ी गर्म हो रही है। हाँ ये देखो। अच्छा टोल भी है क्या यहाँ पे जर्मन में? तो पूरे नीदरलैंड में कोई टोल टैक्स नहीं है ना? हो जर्मनी में भी कोई टोल टैक्स नहीं है? चौड़ा रोड भी आएगा क्या? नहीं, दो लाइन, पूरा ही दो लाइन का है, पूरा ही दो लाइन, और जितनी मर्जी स्पीड चला सकते हैं। अच्छा जितनी आपकी गड्डी की ताकत है भाई। ये जो सामने गाड़ी जा रही है अपनी अल्टो जैसी है, 140 की स्पीड पे जा रही है, क्योंकि हमारी गाड़ी की स्पीड 130 के करीब है।
तो भाई अब भाई का सपना चूर चूर हो गया, बारिश आ गई है, स्पीड डाउन करनी पड़ गई है। बारिश एकदम आ गई, जो ही जर्मनी में इंटर किया बारिश शुरू होगी। दो ढाई घंटे हो गए ना। चलो, और जर्मनी में पहला पेट्रोल पंप पे पहला स्टॉपेज। ये पेट्रोल पंप बड़े मस्त होते हैं यहाँ पे, पुलिस वाले भी आ गए हैं, जर्मन पुलिस हमें देख के तो आ ही जाते हैं। वैसे भी पुलिस वालों का अपना खास रिलेशन है। अच्छा, मास्क कंपलसरी है यहाँ पे। तो भाई जर्मनी ने ना मास्क कंपलसरी कर रखा है, मास्क के बगैर आप अंदर इंटर नहीं कर सकते। निकाल दिया। हाँ, अब बोलो यार। चीयर्स भाई। भाई जर्मनी में मास्क लगाना कंपलसरी है, आप कहीं भी बाहर निकलो घर से तो आपको मास्क लगाना कंपलसरी है। नीदरलैंड में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ आप कहीं भी जा सकते हो बगैर मास्क लगाए। और बारिश होगी तेज। हाँ यार, ये खोला मैंने इनका, ये वाली खोली, इसके अंदर ना एक शादी का कार्ड पड़ा था। पर एक चीज़ देखी इसमें, मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ देखी वो ये देखी कि ये जो है ना पीले चावल करके लगा रखे इन्होंने, तो ये सूरीनाम की किसी की शादी है, सूरीनामियों की। तो सूरीनाम में जो बिहार से आए हुए लोग हैं उनके यहाँ की शादी है, तो उन्होंने पीले चावल लगा रखे हैं इसके अंदर। पीले चावल भेजते हैं ये शगुन, शगुन होता है ये, शगुन होता है ना। तो मतलब हर कार्ड पे आएंगे ये पीले चावल लॉन्ग, और ये जो सूरीनामी होती है उनकी उनकी शादी है फिर ये है। हाँ, उनकी शादी। और कार्ड हमारी तरह ही, मतलब हमारे वाले कार्ड छपवाते हैं ये। और मैं कार्ड के पीछे कंपनी देख रहा था, रेनबो कंपनी का कार्ड है, श्री गणेश जी हैं और कृष्ण जी हैं, और अंदर लिखने का तरीका भी सेम वैसा ही है लगभग। हाँ, ये देखो अंदर से लिखा भी ऐसा ही गया पूरा। हाँ, हमें आना था वहाँ तो पहुँच गए, पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये अगले दो घंटे तक बहुत तेज बारिश है। बाहर देखो कितनी बारिश हो रही है यहाँ पे। वो कहते हैं ना सर मुंडाते ही बताना क्या वो हो गया। आज हमारे साथ में वहाँ होलैंड में बारिश नहीं है। हाँ, आज वहाँ बारिश नहीं थी, आज जर्मनी में बारिश हो गई है यार। तो भाई आधे घंटे बाद बारिश बंद हो गई है, अभी थोड़ी देर के लिए तो शायद मुझे लग रहा है, पर पेड़ के नीचे थोड़ी सी लग भी कम रही है। भाई सब तो अंदर चले गए और मैं भी अंदर जा रहा हूँ। ये इनका मकान है, बहुत पुराना बना हुआ, देखो छत भी लकड़ वाली है अभी भी, और ये व्हील लगाया हुआ है। ये जो मकान की दीवार है ना लकड़। इट्स हाउ ओल्ड दिस वन? ओह, 1900 का बना हुआ ये वाला मकान है, 1900 में, मतलब 120 साल पहले। ये देखो छत भी बड़ी मस्त बनाई है। तो भाई हम आए हैं यहाँ पे किसी के खेत में, और खेत में भी कैसे कि राणा साहब को तोते लेने थे यहाँ पे, ये ब्रीड करते हैं तोतों। तो ये वेटनरी सर्जन है भाई साहब। तो बारिश बंद है, ये गांव है, गांव के पास में खेत, खेत में इसने अपना घर बना रखा है। जैसे हमारे हरियाणा वाले तो जानते होंगे खेतों में डाणियाँ बनती है, तो ये डाणी बनाई हुई है, और ये डाणी मतलब इसकी 120 साल पुरानी है ये। और भाई ने मतलब पूरा अच्छे से मैनेज किया हुआ है घर के लिए। मुर्गे पागल होते हैं ना, मुर्गे सो मैनी। वो अभी तो वो उधर खड़ी हैं दोनों तीनों गाय, और जो इसने गाय पाल रखी है वो अमेरिकन गाय है भाई, तो वो नज़दीक नहीं आ पा रही, और अंदर जाएंगे तो सब पानी पानी हो गया बारिश की वजह से। पैसे की एक ऐसी हवस है जो कभी जाती नहीं है, जो आता जाएगा ना आपके पास पैसा, आपकी हवस बढ़ती जाएगी। Maybe in a few years comes to your back. It's enough. That's my dream. But it's enough. It's yours. लड़के को देख लो कितनी जमीन है इसके पास, इतना प्लेस है, और ये फिर भी ऐसा सोच रहा है कि भगवान मुझे और अमीर बना दे, बताओ।
पैसा बोलते। अरे वाह, इसने तो पूरा वो बना रखा है। वो काले वाला भी तोता है, देख लो कैसा है। तो ये ब्रीड करवाता है क्या? हां, ये ब्रीड करवाता है। ये ब्रीडर है एक तरह से। ब्रीडर है। हां, यंग खुद। तो आ गया। ये आ गया। स्पेस भी काफी है ना, मतलब केज भी बाहर बनाए हैं, फिर अंदर अलग है। And you give two times squid? Two times. This is the smaller. This lunch time. ये भाई साहब ने पैसे दे दिए उनको गिन फिन के ना। खत्म हो रहे हैं पैसे। चेक काट के दूँ? वो अंदर जाएगा, सब आ जाएंगे बाहर। ये मेरा ड्रीम है ऐसा बनाने का। आ जाएगा तेरे भी तो बन जाएंगे, तो लगा रहे बस काम करने। अगले साल मेरे बस ठीक हो जाए, हमने भी ऐसा पहले एक ले लो बस, कुछ नहीं कमाई तो इसी में है ना। ये 500 यूरो का है और जब मैं बच्चा खरीदूंगा तो 400 यूरो का एक बच्चा होगा। और इसका तो कुछ नहीं है, तुम्हें एक एकड़ जमीन ही तो लेनी है बस, कुछ नहीं। ठीक है, बाकी एक्सपीरियंस तुझे हो ही गया है। वैसे मैं सबको चढ़ा देता हूँ बिजनेस करने के लिए। ये एक लड़का है अपने बाप के और मम्मी पापा अंदर है और वो फादर जी हैं इनके। तो पार्क में अपनी खेती वो कर रहे हैं, पार्क को साफ कर रहे हैं, खाद वाद डाल रहे हैं अपना। यहाँ पे अभी जौ लगे हुए हैं, तो अभी जौ की कटाई नहीं हुई है और मई एंड आ चुका है लगभग। जर्मन बियर, स्पेशल जर्मन बियर। जौ से बियर बनती है तो ये लोग बियर को लाइक करते हैं, तो जौ तो थोड़ा एक्सपेंसिव ही रहता है यहाँ पे। अब चलने का टाइम आ गया है वापस। हाँ जी, अब जेब खाली हो गई है। हाँ, जेब खाली करवा दी है भाई की। कितने सब दे दिए इनको, अब तोते वोते ले लिए हमने, पीछे रख दिए अपनी गाड़ी में और डॉक्यूमेंट वगैरह ले लिए उसके। बारिश रुक गई है अल्टीमेटली, मुझे भी सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी। अब भाई हम रुक गए हैं दोबारा से मैकडे के ऊपर रिटर्न में, वापसी में अब थकावट सी होने लग गया है यार। मेरे नसीब में ये आलू ही है भाई, चाहे हॉलैंड हो चाहे जर्मन हो। आलू बढ़िया गरम गरम है, तेरा तो धुआं निकल रहा है। धुआं निकल रहा है, नहीं तो मैकडॉनल्ड लगे तो कोई चीज है। मैकडॉनल्ड इतना गरम गरम देता बहुत कम है ना। हाँ, धुआं निकाल रखा है। क्या कर सकते हैं, खा लेते अपने आलू। वेलकम टू नीदरलैंड, लौट के बुद्धू घर को आए। हम वापस नीदरलैंड में एंटर कर गए हैं भाई। और देखो स्पीड लिमिट हो गई है यहाँ पे, आते 100 की और 130 की। 130 वाला पुराना बोर्ड लगा हुआ, अभी नए रूल आ गए उसके हिसाब से 100 की होगी है ना। 100 की होगी। हाँ, बस 7 बजे के बाद फिर 120। तो अभी तो कितने बज गए, तो 8:30 हो गए, तो 120 पर चला। अभी भी हम 80 किलोमीटर के करीब हैं एम्स्टर्डम से और रात के 9:15 हो गए हैं। और अभी सन देखो आप कैसे चमक रहा है, अभी सनसेट नहीं हुआ और 9:15 हो चुके हैं रात के। तो ये देखो कितना चमक रहा है सब कुछ। तो आजकल जो सनसेट है ना, अंधेरा जो है वो लगभग 10 बजे होना शुरू हो गया है यहाँ पे, रात को 10 बजे, और सुबह 5 बजे पूरा सनराइज हो जाता है। और ऐसा लगता है कि 15 दिन बाद में रात को 11 बजे तक शायद अंधेरा होगा, ऐसा होता है क्या? होता है। कितने बजे से होता है? 11:15 बजे अंधेरा होगा। अच्छा, और फिर सुबह जून के एंड तक हो जाएगा। और फिर सुबह 3 बजे नहीं, सुबह तो फिर 4:30 बजे से। और सर्दियों में बता दो थोड़ा सा क्या होता है।
सर्दियों में तो फिर 5 भी नहीं बजते तो अंधेरा हो जाता है और सब लोग 8 बजे सोने निकल जाते हैं। बहुत लंबी रातें हो जाती हैं सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा। बाय बाय ठीक है प्रकाश भाई है। तो दोस्तों अल्टीमेटली हम पहुंच गए रूम के अंदर और आज का वीडियो कैसा लगा थोड़ा सा मुझे बता देना। तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।